नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भिंडी की खेती में आप ज़्यादा फल और फूल कैसे ला सकते हैं, उसका क्या तरीका है वो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरी भिंडी की खेती, ये लगभग 4 महीने से ज़्यादा, 4.5 महीने के करीब की हो गई है, यानी ये लगभग 130 से 135 दिन की फसल हो गई है। फिर भी इसमें इतने ज़्यादा फूल हैं और इसमें इतने ज़्यादा फल हैं, तो ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आपको अगर ज़्यादा समय तक फल लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है कि आमतौर पर किसान भाइयों को 4 महीने की भिंडी हो जाती है तो उसमें पीला मोजिक लग जाता है या बहुत सारे रोग लग जाते हैं कि वो 4 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ आज, इस फार्मूले से आप भिंडी को लगभग 7 से 8 महीने तक उससे फल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। किसान भाइयों, सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमें बुआई से पहले बीज को शोधित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बीज को शोधित कर लेते हैं तो हमारा जो पौधा है वो काफ़ी समय तक चलता है। अब उसमें हमें खाद कैसे डालनी, खाद प्रबंधन क्या डाल करना है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बुआई से पहले लगभग 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए और नीम की खली हो आपके पास तो वो भी आपको डाल देनी चाहिए 15 दिन पहले। बुआई के समय आपको लगभग 50 किलो DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी चाहिए बुआई के समय। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस बात को तो मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन मैंने इस आपको अच्छे समझ आ जाए इसलिए इस वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ। बाकी भिंडी खेती में क्या खाद डालें, कैसे करें, अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको आई बटन में हम वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम उसको लंबे समय तक चलाएँ और लंबे समय तक वो फूल और फल देती रहे, क्योंकि अगर उसमें फूल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे तो फल भी ज़्यादा ही आएंगे। तो फूल की जगह अब जिसमें ज़्यादा आएंगे तो उसमें ज़्यादा फल आएंगे, तो फूल कैसे आएंगे, अगर पौधा स्वस्थ होगा उसमें तभी तो फूल आएंगे। तो हम आज हम बात करेंगे कैसे उसमें ज़्यादा फूल लाए जा सकें। किसान भाइयों, जो इसमें हमें यूरिया देनी होती है भिंडी की खेती में, हमें यूरिया देनी होती है वो 25 किलो एक बार में देनी होती है, और हमें इसमें लगभग 3 बार यूरिया देनी होती है। पहली क्योंकि जो हम पहले DAP डाल के जिंक सल्फेट डाल के इसकी रोपाई करेंगे, उसके बाद 30 दिन बाद हम पहली यूरिया इसमें डालेंगे, फिर दूसरी यूरिया इसमें 45 दिन बाद डालेंगे, यानी 15 दिन बाद डालेंगे, 30 से 15 दिन हो गए 45, उसके बाद हम इसमें तीसरी यूरिया 60 दिन पर डालेंगे। भिंडी की जो फसल होती है ये 45 से 48 दिन में इसकी फसल मतलब इसकी भिंडी जो है टूटने लगती है, हमें इससे मुनाफा मिलने लगता है, तो हमें ये यूरिया इतने समय में डालनी है। उसके बाद अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि आप में फूल आते रहें और अच्छे स्वस्थ फल होते रहें, तो उसके लिए आप इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों को 2 फिल्टर पानी मिला के आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद जब पहली तुलाई का समय होता है, जब पहली बार में फल बन रहे होते हैं, तो वो फल मजबूत बने और लंबे समय तक उसमें फूल आए फल आए, उसके लिए हम पहली तुलाई के समय, यानी जो पहली तुलाई का जैसे हमने आपको बताया कि जो समय होता है वो 45 से 48 दिन का होता है, उस समय हमें 0, 52, 34 ये आपको 1 किलोग्राम लेनी है और इसको आप 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसमें जो फल हैं वो चमकदार निकलेंगे और स्वस्थ होंगे और उनका साइज भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। साथ ही जब हम तुरंत तो हमें इसका फ़ायदा मिलता ही है, बाद में आने वाले समय में भी हमारी भिंडी में कोई रोग नहीं लगते हैं और वो लंबे समय तक अच्छा मुनाफा देती है। अब जैसे स्क्रीन पे मैं आपको लिए जानकारी के लिए मैं आपको फ़ोटो लगा देता हूँ, तो आप कभी ये मत समझिए कि मैं जिस ब्रांड का फ़ोटो लगा रहा हूँ आपको उसी ब्रांड का लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये केवल आपको समझ आने के लिए मैं लगाता हूँ। अगर उसके बाद जब बीच में, यानी जब हम फल टूट रहे हों और उसमें भिंडी में अच्छा फल निकल रहे हों, हम उसको मार्केट में बेच रहे हों, उसी समय हमें इसमें 0050 को
1 DO 050 को 2 लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करना चाहिए। अब इससे क्या बेनिफिट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, 0050 डालने से हमारा जो फल है वो मजबूत होता है, उसमें कीड़े भी नहीं लगते और चमकदार होता है। और चमकदार होने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आपका माल पहले बिक जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो ये थे आइडियाज जो हमने आपको बताए कि आप इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और लंबे समय तक फूल और फल ला सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज, खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।